नंदिनी जणे बड़ घर पढ़ा लेखा झियो थिला किंतु निज कला रंग जगु से लोकंक सह अधिक कथाबार्ता हेबा पई इच्छा करे नाही। तेणु से पढ़ा सारिबा परे रवींद्र सह मिसी तांको कंपनीर समस्त काम बुझुथिला। निज मा चली जिबा परे से तार बापा रवींद्र सह ऑफिस रे समय बितेई थाए। एही परी नंदिनी तांकर अन्य एक कंपनी पई मैनेजर पदवी लगी इंटरव्यू नेउथिला। तेबि सेठाकु सोहन नामक जणे पिला आसिला आउ से इंटरव्यू रे सिलेक्शन हला। वर्तमान सोहन नंदिनी रो कंपनी रे मैनेजर पदरे जॉइनिंग कला। धीरे धीरे से तांको कंपनी रो काम भलो भाबरे संभालिला। रवींद्र मध्य सोहन उपरे बहुत भरोसा करूथिला। ऑफिस काम छड़ा नंदिनी और सोहन भलोरे कथाबार्ता करूथिले। एही परी किछि दिनरे नंदिनी रो बापा रवींद्र को मृत्यु होइगला। वर्तमान समस्त दायित्व नंदिनी ऊपर को आसीगला। से ही समय रे सोहन नंदिनी रो बहुत साथ देला जहाँ देखी नंदिनी ताको बाहागर हेबा पाई प्रपोज कला। सोहन मध्य बाहागर पाई हाँ करिदेला। बाहागर परे सोहन तार बापा माँ को सह रहिला। पुणी गोटे दिन सोहन रो माँ मालिनी सोहन को कहिला, पुओ तु ए काली भुसुंडी को बाहागर तो हेलु किंतु कौन तासह तु सारा जीवन रहिबु। सोहन कहिला, माँ ये सबू आपण कौन कहुचंती, धीरे धीरे कहतु नंदिनी शुणी नेब। मालिनी कहिला, पुओ ए सबू केते दिन चलिबो कि आमे तासह नाटक करुछु। सोहन कहिला, माँ जे पर्यंत ताहार समस्त धन संपत्ति मो नारे न होईछि तापरे तासह आमर कौन काम। बापा आपण टिकिए माँ को बुझंतु से टिकिए चुप रहिब। अच्छा ठीक अछि मु ऑफिस जाउछि। सोहन और नंदिनी ऑफिस चली गले आउ निज निज कामरे व्यस्त होइगले। किछि समय रे लंच टाइम रे नंदिनी सोहन पाख को आसी कहिला, सोहन तुम्हें सबु बेले मो सह साथ देलो कौन तुम्हें मोर ए कला रंग को नहीं कौनसी भावना आसे नाही। सोहन कहिला, मते तुमरो कला रंगरे किछि जाय आसे नाही, मु तो केवल तुमको भल पाए। सोहन नंदिनी को मिछ कथा कही निज परिवार सह केवल ता धन संपत्तिर फायदा उठाउथिला। एही परी किछि समय बितिला। पुणी सोहन तार जणे सांगर बाहागर को गला। सेठारे ताहार साक्षात सीमा नामक जणे झियो सह हला। से देखिबा को बहुत सुंदर थिला। सोहन ता सह विवाह करिबा को प्रपोज कला आउ सीमा भी राजी होइगला एवं कहिला, मु जणे अनाथ कौन तुम्हें मते बाहागर हेब त। मु जणे अनाथ कौन तुम्हें मते बाहागर हेब त। सोहन कहिला, अरे हाँ हाँ मु राजी किंतु आमे ए बाहागर कौनसी मंदिर रे हेबा। मु काली मो बापा माँ को नहीं शिव मंदिर को आसीबी। सीमा कहिला, ठीक अछि किंतु मु मोर जणे सांग को नहीं जीवी ता छड़ा मोर केही नाही। पुणी सोहन आसी तार बापा माँ को सब कथा कहिला। जहाँ शुणी मालिनी बहुत खुशी हला किंतु रमेश को एसबू ठीक लगुन थिला। तेबे ठीक से ही समय रे नंदिनी आसी कहिला, सोहन वर्तमान तुम्हें मो बापा कंपनी को संभाल मु एबे घरे रही सासु शशुर सेवा करिबा पई चाहूची। नंदिनी रो कथा शुणी सोहन बहुत खुशी हला आउ भाबिला, हे भगवान जेउ दिन को मु बहुत वर्षरु अपेक्षा करितिली से समय आसीगला। नंदिनी कहिला, ठीक अछि सोहन मु काली वकिल को डाकि सबु तुम नारे करिदेबी। पुणी आग दिन सीमा ताहार सांग नंदिनी को आसी ताहार बाहागर विषय रे कहिला एवं ता बाहागर को निमंत्रण कला। किछि समय परे सोहन सह सीमार बाहागर हला। जेतेबेले नंदिनी सेठा को पहुँचिला ता गड़ तलु भूई खसी पड़िला एवं से कहिला, सोहन तुमे मते एते बड़ धक्का देल मु थाउ थाउ तुमे आउ जण को बाहागर हेल ता माने तुमे केवल मो टंका धन संपत्ति को भल पाउथिल आउ बापा मा तुमे भी मते धक्का देल। मालिनी कहिला, हो धक्का देलु धन छड़ा तो पाखरे कौन अछि सुंदर चेहरा अछि ना कौन। सीमा कहिला, शुण तुम्हें माने मु ए बाहागर को मानिबिनि मु एबे चली जाउछि। नंदिनी को सोहन रो लोभ धक्का विषय रे जणा पड़िबारु
से पुलिस को फोन कला आउ तांका परिवार को जेल होइगला। तेणु से कही था जीए अन्नपाई गात खोली थाए से ही गातरे से निजे पड़ी थाए। शीघ्र जा आउ नदी रो पानी नहीं आस। किंतु माँ मु सकाळु माठियारे पानी भर्ती करी आसी कौन सबु पानी सरीगला। मिता गायत्री उपरे प्रश्न करिपारु से बाड़ीरे ताकु पिटिबाकु लागिला। चरणी जन्म हे हो माँ को खाइगलु आउ ता सह बापा को चुपचाप पानी आण। सांग माने आपण माने भाबुथिबे जणे माँ निज छुआ सह एमिति काहिकि करूछि। गायत्री प्रकृतरे मितार साबत माँ थिला। पुणी मिता पानी आणिबाकु गला बेले निजक निजे कहुताए साबत माँ आउ साबत भौणी जाणीशुणी मते पुणी थरे नदी को पठाउछंती। मिता नदी पाखरे पहुँचि नदी को कहिला जाणीछ नदी मो साबत माँ हृदय भारी कठिन जदि तुम पर से स्वच्छ निर्मल हो पारंता कि। पुणी मिता पाखरे पानी नेबा को आसीथिबा दुई जण महिला कथा शुणिला। तू जाणीछु ए नदीर पोल पाखरे जो महल अच्छी शुणी सेठारे जादुई परी अच्छी जीए कि मनर इच्छा को पूरण करी थाए। आरे रश्मिता यह तो लोक माने कहती जदि परी जगार जदि भूत बाहर तेबे। से दुई महिला चली जीवा परे मिता से महल को जीवापी भाविला। पुणी मिता माठियारे पानी धरी चलिला। रास्तार जड़े बुढ़ी भेट हैला। झियो मते टिकिए पानी देबो भारी शस हेउछि। पुणी मिता पानी देकी आग को चलिला। किछि दूर रे भूणी जणे साधु बेहोश होई पड़ी थांती तेबे मिता ता मुहरे पानी छिंचिला आउ साधुंकर होश आसिला। साधु मिता को आशीर्वाद देले। मिता आग को चलिला। रास्तारे गोटिए गाई को से सबुतक पानी पीबा पाई देई देला। मिता माठिया नहीं महल पर्यंत पहुँची गला आउ सही महल रे गाई साधु और बुढ़ी भेट हले। पुणी से तीन जन जादुई परी रे बदली गले। मिता कहिला तुम्हें कौन जादुई परी। परी जनक कहिला हाँ मु जादुई परी से सबु मो द्वारा रचा जाइथिबा माया जाल थिला। तुम्हें परीक्षारे उत्तीर्ण होई पहुँचिछ कुह कौन दरकार तुमर। मिता कहिला मो साबत माँ मते बहुत हैरान करुछि सबुबेले नदी को मते पानी पाई पठाउछि। मितार दुख शुणी जादुई परी ताहार माठिया को तीनोटी जादुई सुनार माठिया रे बदलाई देला। परी कहिला तुम्हें रास्तारे जेऊं तीन जण को पानी पियाइल तेणु तुमको तीनोटी जादुई सुनार माठिया देउछि एहा तुमको सहाय्य करिबो। मिता परी को धन्यवाद दे जादुई माठिया नहीं घर को आसिला। तेबे गायत्री ताकु बाड़ेइला। मिता जादुई माठिया को रक्षा करिबा पई कहिला। तेबे तीनि जादुई माठिया गायत्री को मुंडरु गड़ पर्यंत कोला करि देले। पुणी मिता जादुई माठिया नहीं भीतर को गला। तेबे ताहार साबत भौणी ता कोठरी को आसिला एवं कहिला आरे ए मो भिकारुणी भौणी मो पई जाई जलखिया तैयारी कर। मिता कहिला आरे मोर जादुई माठिया माने मो साबत भौणी को टिकिए बुद्धि शिखेइल। पुणी तीनि जादुई सुनार माठिया तार साबत भौणी को बाड़ेइले आउ से भयरे चलीगला। मिता जेतेबेले रातिरे सोई पड़िला तेबे तार साबत माँ और साबत भौणी आसिले एवं जादुई सुना माठिया को धरी कचाड़िले किंतु ताहा भांगिला नाही। जेतेबेले मिता निदरु उठिला तेबे एसबु देखी कहिला बस बहुत हेला हे मोर जादुई माठिया एमानंकु गाँर सीमा पार करि दियो। देखु देखु तीन जादुई माठिया सेमानंकु गाँरु तोड़ी देले। मिता कहिला हे मोर जादुई माठिया मो घर को महल रे बदले दियो। तीन जादुई माठिया देखु देखु सुंदर महल टीए करी देले। वर्तमान मिता खुशी रे ताहार जीवन अतिवाहित कला।